किशनगंज जिले के अंतर्गत कोचा धामन प्रखंड के कठामड़ा पंचायत में कोचा धामन थाना प्रभारी सुमन कुमार सिंह द्वारा शराब मुक्त महाअभियान चलाया गया। अभियान में पंचायत के जनप्रतिनिधि पंचायत अयूब आलम, मोहम्मद शमी एवं पंचायत के कई लोग शामिल रहे। आपको बताते चले कि कालीबाड़ी गांव में मुशहर टोली में घर घर जाकर किया गया जाँच। मुशहर टोली के जिम्मेदार लोगों को थाना प्रभारी सुमन कुमार सिंह ने बोला, अगर यहाँ शराब बनाया गया तो बेचा गया, सबसे पहले आप लोगों पर कार्यवाही होगी। वहाँ के लोगों ने शपथ लिया कि हम लोग शराब न बनाएंगे ना ही शराब बेचेंगे। थाना प्रभारी सुमन सिंह ने कहा कि कोचा धामन प्रखंड में 24 पंचायतें, सभी पंचायतों में शराब मुक्त कराऊंगा। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं R9 भारत। किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कोचा धामन थाना के सुमन कुमार साहब जो थाना प्रभारी है, ये जगह जगह जाके कोचा धामन प्रखंड के अंतर्गत 24 पंचायत है, इन 24 पंचायत में जहां शराब बिकते हैं, शराब बेचा जाता है, वहां जाके इन्होंने भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद जगह जगह गांव तक घर तक जाके जागरूकता किया कि शराब न बनाना है न बेचना है। तो चलिए इनसे बात करेंगे, इसकी जुबानी मुंह से हम लोग कुछ बात सुनेंगे। आप अपना नाम बताइए। आप ये अभियान कितने पंचायत में अब तक लागू किया गया है? देखिए बता, ये पूरे कोचा धामन थाना क्षेत्र में 24 पंचायत है। हम लोग लगभग जब से यहाँ पे ज्वाइन किए, शराबबंदी के खिलाफ आप लोग भी देखते होंगे कि लगातार अभियान जारी है। हजारों लीटर शराब, सैकड़ों गाड़ियाँ, सैकड़ों गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। जिला में सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी रिकवरी हमारा है। उसके बाद हम लोग जागरूकता अभियान में हम लोग पंचायत पंचायत जा रहे हैं, और इससे पहले भी मोदो में हुआ है, और आज पीछे चुनाव था, चुनाव के बाद नए नए प्रतिनिधि आए हैं, हारे जीते सब पूरा गांव के हम सभी लोग, ये गांव के प्रधान हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, कानून तो अपना काम कर ही रही है, उनको जागरूक कर रहे हैं कि शराब गलत चीज़, लोगों को जागरूक कीजिए कि ये नहीं बनाना है, नहीं बेचना है, नहीं पीना है, इस गंदी लत से हमको छुटकारा कैसे। सर, जैसे आप पंचायत स्तर पर जाते हैं तो पंचायत स्तर में आपका सहायता सहयोग कौन करते हैं? पंचायत के महान जनता, वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के लोग, सभी लोग का सहयोग रहे। क्या ये अभियान आपका सफल रहेगा? पहले भी सफल रहा है, और आप जिला में आपको पता है कि कोचा धामन में ये अभियान सबसे सफल है, और आगे भी सफल रहेगा। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय कुमार आशीष सर को आपको पता है, पूरे बिहार में एक SP पुलिस अधीक्षक, 40 जिला में एक आपको उत्पाद पदक मिला है, वो हमारे किशनगंज जिला के कुमार आशीष सर। तो ये मेरे पूरे बिहार में, मेरा जिला किशनगंज जिला एक अलग एग्जाम्पल है, एक अलग उदाहरण है। उनके मार्गदर्शन में, निर्देशन में, SDPO सर के निर्देशन में, जावेद साहब के निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ के थाना प्रभारी हैं, घर 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 तक जाना। क्या सर ने ये जो अभियान लगाया आप लोग के प्रति, तो क्या ये सफल बनाएंगे आप लोग? जरूर बनाएंगे। कि ऐसे ही अगर एक बार आए उसके बाद चल गए और हम लोग अपना काम करते रहेंगे? ऐसा नहीं होने देंगे। सर ने क्या बताया आप लोग को? हम लोग को बताया कि इस गांव में दारू शराब बिकता है, उसको बंद कीजिए, वो चीज खतरनाक चीज है, उससे बचने की कोशिश कीजिए। जो सरकार, आपका नाम क्या हुआ? राजेंद्र सर। अगर अभियान लगाने के बाद भी अगर शराब अगर बेचा जाता है तो उसके ऊपर पहला कार्रवाई आपके ऊपर होगा, क्या ये मंजूर करते हैं? नहीं तो हम तो समझेबे करेंगे, हाँ हमको तो समझाना है, समझाने का आदेश हम पालन करेंगे, और यदि नहीं यदि समझेगा तो हम उस समय में क्या करेंगे? तो आप क्या प्रशासन को खबर करेंगे? जी। आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम मोहम्मद अजीब आलम है। आप कठामड़ा पंचायत के क्या है, जनप्रतिनिधि के रूप में क्या है, सरपंच? सरपंच प्रतिनिधि हूँ। तो क्या है अभियान जो आप लोग के द्वारा लगाया गया, तो ये सफल रहेगा? सफल कोशिश करने से कोई काम भी नाकाम नहीं होता है, हमेशा कोशिश करने वाले को मंजिल हासिल हुआ, इसलिए हम लोग को यकीन है कि हम लोग की मेहनत और पुलिस प्रशासन का सहयोग से हम लोग इंशाल्लाह हम लोग इस चीज पर काबू जरूर पाएंगे। इन लोग बनाते हैं, बेचते हैं, इन लोग के ऊपर कार्रवाई होगी। जो पीने के लिए आते हैं उनके लिए आप क्या सोचते हैं? उनको, उनके लिए भी, उनके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, उसको रोकेंगे, अगर नहीं मानेगा तो फिर प्रशासन को खबर करेंगे और उसको जो है हम लोग जेल भेजने का काम करेंगे। तो आप बने रहिए R9 भारत से, स्वच्छ समाज बनाने का काम कर रहे हैं, इन लोग का भरपूर सहायता कीजिए, आप समाज के लोग ही इनका सहायता कर सकते हैं। जय R9 भारत के लिए श्रवण कुमार की रिपोर्ट, बिहार से।
नव निर्वाचित मुखिया हत्याकांड में चार नक्सली हुए गिरफ्तार। पंचायत चुनाव नहीं लड़ने की हिदायत के बाद बावजूद चुनाव लड़ने की वजह से नक्सली की थी हत्या। मृतक मुखिया के परिजनों द्वारा दर्ज नहीं कराई गई थी FIR। पुलिस ने दुर्दांत नक्सली प्रवेश दास सहित दो दर्जन नक्सलियों के विरुद्ध लड़ैया टांड थाने में मामला किया है दर्ज। DSP ने दी जानकारी। दरअसल 23 दिसंबर की रात्रि अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित लड़ैया टांड थाना क्षेत्र के अजीमगंज पंचायत के नव निर्वाचित मुखिया परमानंद टुड्डू की नक्सलियों ने गला काट कर हत्या कर दी। वहीं इस मामले का खुलासा करते हुए सदर DSP नंदजी प्रसाद ने बताया कि घटना के बाद से FTF और पुलिस की टीम लगातार इस घटना के उद्भेदन में लगी हुई है। वहीं आज लड़ैया टांड और धरहरा थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में छापेमारी के दौरान चार नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि पूछताछ गिरफ्तार लोगों के हत्याकांड अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई और उसने बताया कि परमानंद टुड्डू को चुनाव नहीं लड़ने की हिदायत दी गई थी। DSP ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों में कानन नैया, कौशल कोड़ा, छड़ू कोड़ा और अनिल कोड़ा शामिल है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार नक्सली कानन कोड़ा का आपराधिक इतिहास रहा है और कई नक्सली वारदातों में इसकी रही है। उन्होंने बताया कि इस घटना में दुर्दांत नक्सली प्रवेश था अर्जुन कोड़ा, सुरेश कोड़ा सहित दो दर्जन नक्सलियों पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि टीम लगातार गिरफ्तारी के लिए लगातार ऑपरेशन चला रही है। आपको बताते चले कि बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव के छठे चरण में धरहरा पंचायत में 6 नवंबर को मतदान हुआ था और 13 नवंबर को मतगणना भी हुई थी, जिससे अजीमगंज पंचायत से परमानंद टुड्डू ने जीत दर्ज की थी। अजीमाबाद पंचायत के इलेक्टेड मुखिया मथुरा गांव के परमानंद टुडू जी का उग्रवादी संगठन के द्वारा हत्या कर दिया गया था। उसमें कुछ लोगों का नाम आया था, कुछ उग्रवादी संगठन के सक्रिय लोगों का नाम आया था। उनमें से चार संगठन के लोगों को जो नेम्ड FIR में है उन्हें छापामारी कर STF और ASP अभियान तथा जिला पुलिस के सहयोग से छापामारी कर पकड़ा गया है। उसमें कनन नैया, अनिल टुडू, कौशल छोटू चार लोगों को पकड़ा गया है और विधिवत फॉरवर्ड करने की कार्रवाई किया जा रहा है। तो सही लोग संलिप्तता है सर उसमें? हाँ बिल्कुल संलिप्तता है और ये नेम्ड FIR रखे हुए हैं चारों। सर पूछताछ के दौरान कुछ पता एक्सेप्ट किए हैं लोग, कन्फेस किए हैं लोग। सर हत्या के कारणों का पता चल पाया सर? उस उग्रवादी संगठन के लोग इनको मुखिया बनने देना नहीं चाह रहे थे। पहले भी इनको धमकाया था, उन लोगों के द्वारा धमकी दी गई थी। सर इस मामले में कितने लोगों को नामजद किया गया है? 20 लोगों को नामजद किया गया है और सभी संगठन के ही लोग हैं जो आज वही आसपास के ही लोग हैं। ये जो मृतक का गांव है वो आसपास के ही लोग हैं। सर एक सवाल ये पूछना, जो इसमें जो गिरफ्तारी को गिरफ्तारी हुई है वह अलग से हुई है? नहीं इसी में है। अच्छा लाइनर का जो काम का। जी कभी सर वो लोग जो मुखिया जिनकी हत्या हुई है सुरक्षा को लेकर के आवेदन नहीं दिए थे, फिर भी हम लोग सतर्क थे। उस एरिया में शांतिपूर्ण हम लोगों ने चुनाव कराया और बहुत सख्ती से हम लोग इसका ये किए। घटना है सर, एक बार फिर से नाम ले लीजिए चारों अरेस्टेड का। चारों अरेस्टेड का नाम कन्नन नैया, छोटू। R9 भारत के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट मुंगेर से।